सुनाने का साहित्य में दो विधाएं सबसे अच्छी मानी जाती है, एक विधा है कविता गायन करना और दूसरी विधा है कहानी को सुनाना। कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनका लगाव दादी के साथ क्यों होता है, दादी को कहानियां सुनाती, जो कहानियां सुनाती है उनका आकर्षण दादी की तरफ ज्यादा बढ़ता है। तो जब हम कहानी की बात करते हैं कि आओ एक कहानी सुनाएं, तो कहानी में अक्सर हम कल्पनाशीलता का वर्णन करते हैं। अच्छा, कल्पनाएं होती हैं, एक परी की कहानी है, अब परी देखे नहीं जाए, आओ हम एक शेर की बात सुनाने जा रहे हैं, जंगल में एक शेर था, अब शेर उसने देखा नहीं है, लेकिन जब हम कल्पनाशीलता की बात करते हैं, कल्पनाओं की बात करते हैं, जिससे बच्चा हमारा अनभिज्ञ है, तो उसको सुनने के लिए जानने के लिए ज्यादा उत्साहित होता है कि कहानियों का अपना एक विशेष महत्व है। और कहानियों को सुनाते सुनाते कहीं कहीं हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात कहानियों का जो सार होना चाहिए, जो सार तत्व होता है निकल करके, तो हम अपने जीवन में कैसे कार्यों को करें। एक शब्द थे, उनके पास एक गाय थी, अपने गाय को बहुत मानते थे। एक दिन एक व्यक्ति आया और उनकी गाय को ले जाने लगा। संत ने क्या किया कि बछड़े को भी टूटे से रस्सी को छोड़ा और कंधे में बिठाया और आवाज किया संत को कि आप बछड़े को भी लेते जाएंगे तो आप दूध कैसे दोगे। जब इस भाव को हम सुना रहे हैं और उसको हम जब आगे बताते हैं कि सत्य की परिभाषा क्या होती है, किस तरह से हम हृदय का परिवर्तन करते हैं, तो एक तो कहानी सुन रहा है, कहानी सुनते समय मानक शब्दावली का प्रयोग सुन रहा है, संत कैसे बोला जाता है, गाय कैसे बोली है, बछड़ा कैसे बोला जाता है, और जिस तरह से सुनता है उसी तरह से बोलता है। कहा जाता है कि जो मूक होते हैं, जो बोलते नहीं होते, वो जन्मजात बधिर होते हैं, अर्थात यह सत्य है कि जो बधिर होते हैं वो मूक होते हैं। जिसने जन्म होते ही किसी भी शब्द को सुना नहीं वो कैसे बोल सकता है, और जैसे शब्द को सुनता है उसी तरह से बोलता है, अर्थात जो मूक है तो जरूरी नहीं है कि उनके जो स्वर तंत्रियां हैं तो स्वर तंत्रियों में कहीं कहीं गड़बड़ी है, स्वर तंत्रियां बिल्कुल सही है, स्पष्ट उच्चारण कर सकती है, लेकिन उसने जब आज तक एक भी शब्द को सुना नहीं तो कैसे बोल सकता है। और जिस तरह से सुने, इसके बारे में आप ढेर सारी कहानियां सुने होंगे, दो तोते थे एक साथ रहा करते थे, एक बार आधी आई, एक तोता जाकर के एक महात्मा के आश्रम में चला गया, एक तोता एक डाकू के पास पहुंच गया, तो जो डाकू के पास पहुंचा हुआ था तो हमेशा बोलता था मारो काटो आ गया इसको भगाओ देखो देखो, जो महात्मा के पास तोता बैठा था जब कोई अतिथि आते थे तो बोलता था कि आइए बैठिए जल ग्रहण कीजिए, तोते के माध्यम से बताया गया, जिस तरह से उसने सुना उस तरह से उसकी क्रियाकलाप में उसकी दिनचर्या में बोलने का अभ्यास हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनको भाषा सिखाने के लिए हमें उत्कृष्ट मानक शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए, सात उत्कृष्ट का। अब इसके लिए दो विधाएं हैं, एक विधा है कविता का गायन करना और दूसरी विधा है कहानी सुनाना। कविता का गायन करते समय एक कविता हम देख लेते हैं कितनी अच्छी तरह से हम उसको कितने लय, मेरा गांव, मेरा गांव बच्चों को पढ़ाते समय पेश खोल करके रख इसका गायन कराने लगे हाव भाव के साथ, जब बच्चे सीख जाते हैं उनको याद हो जाती है कविता। अब यहाँ पर बड़ा निराला मेरा गांव बड़ा सब तो पढ़ते हुए नहीं आ रहा है, फिर भी जब उन्हें कंठस्थ हो जाती है तो उन्हें पढ़ते हैं, अपनी उंगली को उस शब्द के नीचे रख करके ऐसे पढ़ते हैं जैसे उन्हें पढ़ना आता हो, बोलेंगे बड़ा निराला मेरा गांव हरा भरा है मेरा गांव, गांव मेरा है खेतों का परिवारों का करते काम किसान है, अभी करते काम किसान है, किसान कैसे लिखा जाता है मालूम नहीं, फिर भी करता है पढ़ रहा है, बोली बड़ा निराला मेरा गांव, बड़ा निराला मेरा गांव, बड़ा निराला
अच्छी लगती काली धारी